इसके जो पति है वो 3 साल तक बहुत अच्छे से प्यार किए, इसके बाद इसको धोखा दे दिए और किसी और से शादी कर लिया। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इनका पचदाने भी खराब कर दिए हैं। मतलब इतना दर्द आप कैसे झेल रही हो, इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती हैं आप? हम कैसे छोड़ेंगे, मरेंगे तो उसी के साथ जिएंगे भी तो उसी। किसी और एक बताओ रे सर, मेरे बचदानी खराब करवा दिया। खराब करवा दिया, खराब करवा दिया मेरे बचदानी। रोइए मत, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम छिनार हो, तुम रंडी हो, ऐसा न वैसा न। आप कैसे बोलता है? हाँ, क्या बोलता है आपको? बकचोदी छिंदरी करके बोलता है, गाली देता है। हाँ गाली देता। मेरे प्यार का झांसा दे करके आपको यूज किया गया है? मेरे रखने बना के रखे हुए हैं। अकेले बना के रखा हुआ आपको? जी सर। बता, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली वाला हाल हो गया। पहले आपको बाबू सोना बोलता था? जी सर, सब कुछ बोलता था। कहाँ गया वो प्यार? कहाँ गया वो प्यार? उसको 4 साल में 5 रूम खाली करवाया। 4 साल में 5 रूम खाली करवाया? हाँ, 5 रूम खाली करवाया। अब बोला कि कोई भी किसी का रूम में झगड़ा करिएगा, गरम गारी करिएगा मेरे। उसके बाद हम जाने कि उसको शादी हो रहा है, तो घर गए तो उसको घर वाला दूसरा से मार खिलाया, गांव वाले से मार खिलाया। हमको पेट में बच्चा था 9 महीना का, कि मेरे को इंसाफ चाहिए, घर में मेरी को जगह चाहिए, जैसे मेरे इज्जत का उछाले हो वैसे मेरे को इज्जत बना के रखे। प्यार करना गुनाह है नहीं, मगर प्यार करके धोखा देता है ना, तब भी किसी के आग से आंसू गिरता। नमस्कार दोस्तों, देखिए आए दिन आप लोग प्रेम प्रसंग का कहानी सुनते होंगे, लेकिन आज का जो प्रेम प्रसंग है बिल्कुल अलग है, क्योंकि देख रहे हैं मेरे साथ एक महिला जो काफी ज्यादा परेशान है और रो रही है। क्या कुछ हुआ इनके साथ, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। क्या तो जोर से बोलिएगा, शिवानी। शिवानी कुमारी नाम है, कैमरा में देखिए आप, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा पति दूसरा शादी कर लिया। आपके पति दूसरा शादी कर लिया जी? मतलब कितने साल का रिलेशनशिप था, लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज, कोर्ट से। लव मैरिज था जी सर, कोर्ट से जी। फिर क्या हुआ आपके साथ जो आप रो रही हैं? मेरे साथ यही हुआ कि उस समय शादी कर लिया, हमसे छुपे शादी किया। मेरे को 4.5 साल तक किराए के मकान में रखा, और उसके बाद हमको शादी कर लिया। हम घर जाने के लिए बोलते थे कि घर लेके चलिए, घर लेके चलिए, तो बोलता था कि घर बनेगा तो लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। ये आपको कब पता चला कि आपका जो पति है वो मतलब किसी और से शादी कर लिया है? जब बारात घूरने वाला था, जिस दिन शादी लेकर, उस दिन मेरे को जानकारी हुआ। जानकारी होते हम फिर उनको घर आए, उसके बाद इसको मोबाइल तोबाइल सब बंद था, तो हम बोले कि मोबाइल बंद, सब बोलता था कि तू मर्दनवा के शादी हो लो। तो हम गए उसको घर, तो सब मेल के बोले ना, गांव वाला से मार खिलाया, मेरे सास ससुर देव एटीएम वाला काम करता उसी लोग, उन्हें लोग से मार खिलवाए मेरे को। सबसे आपको मार खिलवाया जी? मतलब आप कौन सा गुनाह किए जो आपको सब लोग मार रहे हैं? पता नहीं कौन सा गुनाह के, यही हम सोचते हैं कि मेरे को इंसाफ चाहिए, घर में मेरे को जगह चाहिए, जैसे मेरे इज्जत का उछाले हो वैसे मेरे को इज्जत बना के रखे। पर हम इतना जानते हैं, हम जान गवा देते हैं पर इसके साथ नहीं रहते, मगर सब बोला कि मत मरिए। आप रोइए मत, बोलिए। रोने से क्या होगा बताइए, आपको तो लड़ना है ना। अब कहीं ना कहीं आपको प्यार की सजा मिली जी सर। इधर देखिए, प्यार करना गुनाह है नहीं, मगर प्यार करके धोखा देता है ना, तब भी किसी के आग से आंसू गिरता है। उतना दिन मेरे को झांसा दे के रखा कि हम रखेंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, शादी भी कर लेंगे, फिर भी तुमको वही इज्जत देंगे, वही प्यार देंगे, फिर भी हम सोचे, बोला कि घर बनेगा तो लेके जाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है। उसके बाद क्या किया कि हम घर अभी बना तो गए घरेली में, हमको नहीं पूछा। उस दिन हम बोले कि चलिए घर लेके, तो नहीं ले गया, और रूम में जितना बंद करके हमको मारा, जितना मारा, बहुत मारा हमको। एको साथ साथ एको बच्चा भी रोता था, माँ माँ चिल्लाता था, फिर भी इसको कहता था नहीं मार रहे बेटा, तुम्हारे मम्मी को नहीं मार रहे, चुप रहो चुप रहो, इसको ऐसे कर करके चुप कराता था। फिर वहां के माल के आदमी जाना कि उसको मार रही है, तो जिसका घर में रह रहे थे वो मकान मालिक भगा दिए, निकाल दिए कि मेरा घर में झगड़ा करेगी तो नहीं देंगे रहने के लिए। 4 साल में 5 रूम खाली करवाया। 4 साल में 5 रूम खाली करवाया? हाँ, 5 रूम खाली करवाया। अब बोला कि कोई भी किसी का रूम में झगड़ा करिएगा, गरम गाली करिएगा, मेरे मोबाइल में भी है, रिकॉर्डिंग भी है, गरम गाली दे रहा है, जो कभी नहीं अच्छे से बोलता, कभी से प्यार से नहीं, पहले बोलता था शिवानी रे, अब शिवानी रे, हाँ अब बोलता है मेरे को
तुम छिनार हो, तुम रंडे हो, ऐसा न वैसा न। कैसे बोलता है? हाँ, क्या बोलता है आपको? बकचोदी छिंदरी करके बोलता है, गाली देता है। हाँ, गाली देता, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोलते हैं जी, ऐसे मत बोलिए। तो बोले कि जो करना हो कर लिया, जो जौन बाप तर जाना हो चल लिया, की करता हूँ थनमा वाला, की करता हूँ पुलिस वा, की करता हूँ दरोगा देख लो, जे बोलता है। तो हम वही चाहते है कि हमको इस तरह पर इस मोड़ पर ला के छोड़ दे, मेरे को कौन पूछा। एक बात और है सर, मेरे बचदानी खराब करवा दिया, खराब करवा दिया, खराब करवा दिया मेरे बचदानी। मत, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मतलब जब शुरू में प्यार था तो वो इंसान बहुत प्यार करता था। मेरा बच्चा यही है वो, अब फिर हम कहां से बच्चा को देंगे, कुछ हो जाएगा तो। रोइए मत, रोइए मत, हम आपको पैर पकड़। पैर मत पकड़िए, आप उठिए उठिए, पैर मत पकड़िए। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से ये महिला प्रताड़ित है कि परेशान हो चुकी है और अभी पटना आई हुई है। जी हां दोस्तों, देखते किस प्रकार से ये रो रही है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रो रही है महिला, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। क्योंकि इसके जो पति है वो 3 साल तक बहुत अच्छे से प्यार किए, इसके बाद इसको धोखा दे दिए और किसी और से शादी कर लिया। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इनका बचदाने भी खराब कर दिए हैं। मतलब इतना दर्द आप कैसे झेल रही हो, इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती हैं आप? हम कैसे छोड़ेंगे, मरेंगे तो उसी के साथ जिएंगे भी, तो उसी तो किसी और से शादी कर लिया ना जी? कर लिया ना, फिर भी हम चाहते उसी के साथ रहेंगे। हम कितना दस पूछ का मुंह मारेंगे, उससे हो सकता है इससे बदतर भी हमको मिले। हम उसी लिए चाहते कि हम जैसे भी रहेंगे इसी को साथ रहेंगे। वो बात करता है आपसे अभी? हाँ बात करता है, पर प्यार से नहीं बात करता, गर्म गाली करता। जादी करेगा तो बोलेगा कि मेरे बेटा के सामने कैमरा करके रख दो, तुम मामा मत बन रख मोबाइल, तुम हमारा चेहरा मत दिखो। मेरे को नहीं लगता है कि प्यार का झांसा दे करके आपको यूज किया गया है? मेरे रखने बना के रखे हुए हैं। अकेले बना के रखा हुआ आपको? जी सर। एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली वाला हाल हो तो वही ना होगा, मेरे को घर नहीं चढ़ने के लिए देता, इसके वजह क्या है मेरे रखेल बना के रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं बोलता है कि तुम भी रहो उसको भी रखेंगे? ऐसा बोलता है, पर उसको मन में क्या चलता है वही ना जानेगा, खाली बस प्यार के झांसा दे रहा मेरे को। कितने साल से लगभग घुमा रहा आपको? करीब करीब हो गया 2 साल पुरने वाला है। 2 साल पुरने वाला, इससे पहले आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेरे को जितना भी कमाता था मेरे को देता था। आपको देता था सब कुछ? हाँ, मगर अब कुछ भी नहीं देता मेरे को, बस 500 के राशन ला के देगा तो बोलेगा कि इतना पैसा के राशन दिए तुमको ला के, तुम्हारा बेटा के पीछे इतना खर्चा किए है, तुम्हारा पीछे इतना खर्चा किए है, ऑपरेशन करवाए, ये करवाए, वो करवाए। तो कहले कि आप पहले रखे थे बेबी बना के, तो कौन करेगा, दूसरा कोई करेगा? पहले आपको बाबू सोना बोलता था? जी सर, सब कुछ बोलता था। कहाँ गया वो प्यार? हाथ जोड़ते हैं आप लोग से कि ऐसा मत कीजिए किसी के साथ, प्यार कीजिए मगर किसी के दिल में दुख मत दीजिए, किसी से दूसरा शादी ना करे, किसी का दिल में दुख ना हो। आप प्यार करके पछता रही हैं? बहुत पछता रहे, बहुत पछता रहे, बहुत पछता रहे। कहिएगा उन लोगों को जो प्यार के झांसा में फंस जाते हैं, आप जैसे लड़कियां फंस जाती हैं, फिर देखिए रो रही हैं, आप क्या कहिएगा? हम और लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि दीदी हम आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, प्यार मत कीजिए, प्यार कीजिए कि बस जो आप शादी ना करें, बस भैया दीदी लोग से यही कहते हैं। अच्छा, जो लड़का आपके साथ ये चीज किया है उसको क्या चाहती है, उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहती है या उनको जेल भेजवाना चाहती है? हम वो रखता है तो ठीक है, नहीं रखेगा तो जेल जाएगा। फिर केस उसकी है? केस नहीं किए, बस अभी हमें इसे ये सुने अभी हो रहे हैं, बस हम केस नहीं किए हैं कि चलो रख लेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा तो फिर लास्ट में हम कोर्ट से कर देंगे। अगर वो आपको कहेगा कि तुम भी रहो उसको भी रखेंगे तो क्या कीजिएगा? तो बोलेंगे कि घर में रहने दीजिए, हमको भी घर में रहने दीजिए, जैसे उसको खिला रहे वैसे हमको भी खिलाना। उससे भी बच्चा हुआ है? जी, उसको एक बेटी है। मतलब उससे भी बच्चा हो गया, आपसे भी बच्चा हुआ है, मतलब क्या चल रहा है? शादी का नहीं हुआ, उसको बच्चा हो गया, 8 महीने का बच्चा होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जब प्यार करता तो किसी और से शादी करता, ये बताइए। पता नहीं क्या किया नहीं किया मेरे साथ में, वही हम जानते कि बस मेरे रखेल बना के रखे हुए इतना दिन। अच्छा, से आपके पास कोई प्रूफ है जो आप शादी किए या कुछ भी एविडेंस है आपके पास? मेरे पास कोर्ट का कागज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये महिला काफी परेशान है और अभी पटना आ चुकी है महिला विकास मंच के ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, और ये महिला बहुत ज्यादा परेशान है, इनके पति जो है शादी कर लिए किसी और से, एक बच्चा भी पैदा कर लिया और बेचारी प्रताड़ित है, परेशान रो रही है। बाकी इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस महिला को इंसाफ मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।